जहां एक ओर प्रदेश के कई जिलों में भीषण बारिश हो रही है, वहीं दो दिन से छतरपुर जिले के भी अलग अलग इलाकों में लगातार जोरदार बारिश हुई है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। धशान नदी भी बांध सुजारा डैम के सभी 12 गेट खोले जाने की वजह से जमकर उफान पर है। बीते रोज नदी के डूब क्षेत्र में टापू नुमा स्थान पर बसे 3 परिवार के 18 लोग नदी की बाढ़ में फंस गए, जिसकी सूचना स्थानीय प्रशासन व जिला प्रशासन को लगी और बीती शाम को ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन रात हो जाने की वजह से रेस्क्यू संभव नहीं हो सका। पूरी रात पुलिस और प्रशासन की टीम चपरन गांव में ही ठहरी रही और जैसे ही सुबह हुई SDRF की टीम के द्वारा रेस्क्यू प्रारंभ किया गया और लगभग 2 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 18 ग्रामीण, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मौके पर नौगांव SDM, SDOP व महाराजपुर विधायक कामाख्या प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि छतरपुर जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट होने और बांध सुजारा डैम में पानी अधिक होने के बाद प्रशासन ने 2 दिन पहले ही अलर्ट जारी किया था और नदी के तटीय इलाकों में रह रहे लोगों को जगह खाली करने को व ऐसी जगह ना जाने की एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर ऐसी जगह जाते हैं। इसके बाद ना सिर्फ बाढ़ की चपेट में आकर लोग परेशान होते हैं, बल्कि शासन प्रशासन को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। फिलहाल राहत की बात यह है कि पूरी रात नदी की बाढ़ में टापू में फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। विधायक महाराजपुर ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश होने या अलर्ट जारी होने के बाद आवश्यक सावधानी जरूर बरतें और ऐसी जगह पर ना जाएं, और अगर रह रहे हैं तो वो जगह खाली जरूर करें। हमें अलर्ट मिला था परसों से लेकर ही, और प्रशासन द्वारा मुनादी भी कराई गई थी, सबको सूचना दी थी। कल इस गांव में पुलिस की टीम और रेवेन्यू की टीम भी गई थी बताने के लिए, लेकिन कुछ लोग वहां रहे और पानी बढ़ गया और वो लोग निकल नहीं पाए, ऐसा उनका कहना है। तो हमें रात्रि में ये सूचना मिली थी, रात्रि से ही माननीय विधायक जी, प्रशासन और पुलिस की टीम पूरी यहाँ पर लगी हुई है। तो जो रिलीफ की टीम है, उन्होंने बताया था कि सनराइज़ में उसको ईजिली कर सकते हैं, और जहाँ वो लोग थे उसका पानी से 7-8 फीट ऊपर थे, तो वो लोग सुरक्षित थे। इसीलिए हमने रात भर, हमारी टीम यहीं स्टेशन रही, बेस्ड रही, हमने सही समय का इंतज़ार किया और सुबह होते ही टीम ने जाके पूरे 18 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। नाम का है, कब से फंसे होते हैं? 2 दिन से। वहाँ खाने पीने कोई व्यवस्था थी? जहाँ आप लोग खाने की व्यवस्था थी, खाने आने की सब खाने पीने की व्यवस्था होती होते का है? कितने लोग थे तुम लोग? कितने लोग थे सब? उसमें बच्चे, एक ही परिवार के लोग थे सब? बच्चे कितने थे उसमें? रात भर से प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है, सहयोग क्या, पूरी कार्रवाई उनकी तरफ से करी गई, जिसके लिए मैं उन लोग का बहुत बहुत आभारी हूँ ग्रामवासियों की तरफ से। और सब लोग सुरक्षित निकाले भी गए हैं, इसकी सबसे ज़्यादा तसल्ली है और खुशी है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि SDM मैडम, तहसीलदार साहब, SDOP साहब, हरपालपुर के अपने शर्मा जी हमारे, उनकी पूरी टीम और ग्रामवासियों की तरफ से सबका बहुत सहयोग मिला है, उसी के लिए मैं बहुत बहुत सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्रामीणों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई नोटिफिकेशन आता है जल बहाव को लेके, तो एकदम से बढ़ जाए तो अलग बात है, लेकिन उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, तो जिसमें कि प्रशासन को भी सहयोग रहेगा, उनका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7 स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।